अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी वाला खट्टा। ये खट्टा जो शाही घरों में बनता है, सबसे पहले ये खट्टा बनकर हैदराबाद में आया था। फर्स्ट डिश है ये हैदराबाद में खिचड़ी खट्टा। तो हर हमेशा हम ये ब्रेकफास्ट में लेते हैं। ये निज़ाम सरकार के ज़माने से बनते हुए आ रहा है। तो इसके साथ में खीमा भी बनता है, तो मैं आज खीमा नहीं बनाई हूँ, तो मैं खिचड़ी खट्टा बना रही हूँ। सहर स्पेशल, रमज़ान स्पेशल, आप ज़रूर इस तरह से ये खट्टा बनाइए और आप लोग सीख लीजिए। जो बिगिनर्स है, बैचलर्स है, आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन हो गया। खाने में एकदम लाजवाब है और ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मैं एकदम शाही तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैं ओल्ड सिटी से हूँ। तो देखिए, ये खाना बहुत अच्छा होता है, ये बनाना आप देखिए। ये एकदम प्योर डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हैदराबादी मेरे अपने बड़े बनाते थे। तो उसके साथ में हम कुछ स्नैक्स, कुरकुरे रखेंगे, जैसे कि पापड़ है और हाथ, ये घर के बने हुए पापड़ और बढ़िया हैं। इतना टेस्टी ज़ोरदार नाश्ता है ये। तो चलिए हम बनाते हैं। खट्टे की रेसिपी दे रही हूँ मैं, और आपको खिचड़ी की अगर आपको होना है तो आप मेरे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 25 ग्राम खोपरा लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। फली है यानी पीनट्स, ये है देखिए, हरा मसाला, हरी मिर्चें हैं 4 से 5, एक मुट्ठी। तो गाइस, ये तिल है 25 ग्राम, ये है इमली 50 ग्राम, नई इमली लीजिए एकदम, यानी सफ़ेद इमली लीजिए। तो सबसे पहले हम तिल भूनकर निकालते हैं। हरी मिर्चें 5 से 4 ली हूँ, एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मुट्ठी मैं पुदीने के पत्ते ली हूँ, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी इसमें जाएंगे। इतना टेस्टी यमी बनकर रेडी होता है। इसे कलेजी के साथ लीजिए, तलावा गोश्त के साथ लीजिए या खीमे के साथ लीजिए, बेहद बेहतरीन होता है। समर में तो ये ज़्यादा बनता है क्योंकि इससे पानी की प्यास हमें कम लगती है। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। शहर में हमें जो पानी की प्यास ज़्यादा लगती हैं तो वो इससे कम हो जाएगी, यानी हम सुबह शहर में ये लेंगे तो हमें उतनी पानी की प्यास नहीं लगेगी। तो देखिए, खोपरा भी हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनिए, एक तरफ कच्चा रह जाएगा, एक तरफ ये भुने जाएगा। तो इसे हम अच्छे से ज़रा पछड़ कर साफ़ कर लेते हैं, इस तरह से इसे पछड़ना कहते हैं हैदराबाद में। तो हम पछड़ लिए हैं तिल को। चलिए, ये खोपरा भी हमारा अच्छा सा भुने जा रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए, इसे खोपरे को भी हम हल्का सा ब्राउन कर ली हूँ, सौंधी स्मेल आने तक, सौंधी सौंधी खुशबू आए तक इसे भूनिए। अब ये है पीनट्स, इसे भी हम भून देंगे। ये भी 25 ग्राम में ली हूँ, यानी सारे मसाले जो है 25-25 ग्राम ले रहे हैं। ये हैदराबाद का मशहूर है, देखिए आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और जिस किसी भी डिशेस मेरे पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गुड कमेंट्स कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इसे भी हम मीडियम फ्लेम रखकर इसे भी अच्छे से ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर आने तक भुनना है। इसमें से कच्ची स्मेल जाने तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। तो अब जो हमने हरी मिर्चें 4 से 5 लिया था, मैंने उसे आधा आधा कर इसे डाल रही हूँ। अगर आप साबुत डालेंगे तो ये आपके ऊपर उछलेगी। तो इस तरह से आप अगर इसे करेंगे ब्रेक कर आप इसे फ्राई करेंगे, हल्का सा रोस्ट कम तेल में, ये लहसुन की कलियाँ भी इसमें जाएंगे। तो इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, इससे इसकी जो तेज़पन होता है हरी मिर्ची का वो कम हो जाता है। ये आप लोगों के लिए टिप्स है। अगर आप कच्चा हरी मिर्चें डालकर पीसेंगे तो बहुत तेज़ हो जाता है और पेट में जलन भी होती है। इस तरह से करने से पेट में जलन नहीं होगी, एक किस्म की ठंडक आपको मिलेगी। लहसुन का भी जो तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है वो तलने से कम हो जाएगी। तो ये हरा धनिया भी इसमें जाएगा। सारे मसाले हमने देखिए जार में डाल रही हूँ, अच्छे से धोकर साफ़ सफाई से जितना बनाएंगे वो अच्छा आपको शाम तक टेस्ट देगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डालकर पीसेंगे। पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैंने छिलके भी अलग कर लिया है पीनट्स के। तो चलिए, इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो एक मैंने प्याज ली हूँ, देखिए मीडियम साइज़ की। तो चलिए, इसे हम छील कर आधा आधा करते हैं। अब इसकी हम खड़ी प्याज, यानी खट्टे की प्याज कहा जाता है यहाँ पर, तो हम खट्टे की प्याज कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो चॉपिंग पैड पे भी कर सकते हैं, मुझे हाथ पे ज़्यादा फ्रीनेस महसूस होता है, मैं जल्द से जल्द करती हूँ। हैदराबाद में ज़्यादा कटिंग हाथ से नाइफ़ में, देखिए इस तरह से हम नाइफ़ लेकर कट करते हैं। आपको इस तरह से भी बता रही हूँ, अगर जिसको नहीं आता है, चॉपिंग पैड का ज़रूरत है तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। मैं 2 तरह से बता रही हूँ आपको, आप चाहे तो चॉपिंग पैड पे भी आप
कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर लीजिए। खड़ी प्याज, और मैं आधी हाथ में लेकर भी बता रही हूँ, इस तरह से भी आप कटिंग करेंगे तो ये एक सा एक ही साइज़ में कटे जाएगी, इतनी मशक्क़त नहीं होती है। चलिए हम इमली का खट्टा मत लेते हैं, यानी खट्टा जो हम बना रहे हैं उसके लिए तो इमली ज़रूरी है। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था, इसका अच्छा सा पल्प निकाल लूँगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा समर में बनता है ये खट्टा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खट्टे तो यहाँ से 10-12 किस्म के होते हैं हमारे हैदराबाद में, तो ये सबसे पुराना और प्योर यही रेसिपी है खट्टे की। शुरुआत जो हुई है हैदराबाद में तो ये मसाले के खट्टे की हुई है। एक किस्म की नवाबी डिश है खिचड़ी खट्टा, यानी जो नवाब साहब के घर में बनते हैं खिचड़ी खट्टा खीमा। तो ये नाश्ता नवाबियों का है, तो आज कॉमन हो चुका है ये। तो देखिए, हम प्याज को कट करके इसे अच्छे से धोकर हम इसका पानी अलग कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे खट्टे में, यानी पल्प में, जो हमने इमली का पल्प निकाला है उसमें हम इसे डाल देंगे। बस हम 2 बार ही निकालेंगे इमली का पल्प उसमें। और अब नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि याद रखिए हम मसाले में भी नमक डालकर पीसा है। तो चलिए, हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए, मैंने पहले इसे पाउडर बनाया है, फिर बाद में इसे अच्छे से पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इस तरह का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए, सारा हम जो मसाला पीसे हैं इसमें ऐड कर देंगे। इतना इजी और बनने वाला है और इतना टेस्टी ऑथेंटिक है ये, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिशेस बहुत कम मिलते हैं खाने में। तो देखिए, हमने ये 3 चीज़ डालकर बनाया है, इसमें एकदम ये शाही बन चुका है। आप इस तरह का बना कर देखिए गाइस। कोई तिल फल्ली का बनाते हैं, कोई सिर्फ फल्ली का बनाते हैं, कोई अलग अलग हर जब आपको ये सब चीज़ें नहीं खाना दिल बोला तो आपको दूसरे भी तरीके से मैं बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ इमली का पल्प लेकर भी बनाते हैं। ये बग हमारा तैयार हो रहा है, देखिए मैंने तैयार करके रख लिया है। करी पत्ते हैं और सूखी लाल मिर्चों को मैंने आधा आधा कर लिया है, और 1 टेबल स्पून राई ज़ीरा है। तो चलिए, हम दो इसमें 150 ग्राम यानी सॉरी 75 ग्राम में हम ऑयल में इसे मैं कुकिंग ऑयल में अच्छे से भगार लूँगी। देखिए, और हैदराबाद में आप देखिए हमारे पास भगार थोड़ा काला कलर का होता है। दूसरी तरफ में नॉर्थ में हर जगह में जो है वेस्ट में तो लाल होता है भगार, हमारे हैदराबाद में थोड़ा सा काला करते हैं भगार को। तो देखिए, पहले मैं सूखी मिर्चियों को निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं ये डाल दूँगी। ये हमारा तड़का लग गया है खट्टे में, यानी बघार दी हूँ मैं। खट्टे को बघारने के बाद आप देखिए कितनी खूबसूरती इसकी निखर कर आई है, तो एकदम से ये फर्स्ट क्लास लग रहा है। तो आप देखिए, अब फिर मैं ऐसे उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म कर रही हूँ और थोड़े से बढ़िया फ्राई कर रही हूँ, यानी हैदराबादी बढ़िया जो हर घर में होते हैं, पापड़ और बढ़िया यानी स्नैक्स है। आप इसे खिचड़ी खट्टे के साथ ले सकती हैं। तो आप देखिए, और जिस किसी भी अगर बड़ियों की रेसिपी सुना है पापड़ की, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, खट्टा बनकर रेडी हो गया। जिस किसी भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गुड कमेंट्स करना। तो देखिए गाइस, ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉच माई चैनल।